घुमरा जाए। तो मेरा मूड थोड़ा ऑफ था उसकी वजह से, यही मैंने मिस कर दी। कहते हैं माशाल्लाह से इन्होंने बहुत अच्छा मौका मिस कर दिया है। अरे ईद का गिफ्ट मिल रहा है कि एक पाकिस्तानी सूट पे दूसरा पाकिस्तानी सूट फ्री। अच्छे वहाँ जाओ शॉपिंग करो और वापस आओ, सिर्फ 2 घंटे के अंदर या 2 घंटे में हो सकता है। 2 घंटे में किसी लड़की की शॉपिंग सब निकाल दिया उसने, एक एक पीस ले लिया। उसका नाम है हनी और उसका नाम है बनी और वो चली है किचन में। मम्मी लगा पहला रमजान ना दोनों का। तो हे गाइज अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माई अनदर व्लॉग, वेलकम बैक टू माई अनदर वीडियो। तो कैसे हैं आप, उम्मीद करते हैं हम चुस्त होंगे, दुरुस्त होंगे, अपने अपनी लाइफ में मस्त होंगे। तो यहाँ पे बज गए, मैं आपको बता दूँ सुबह के 6:30 बज गए हैं और अभी हम लोग जा रहे हैं सब लोग एयरपोर्ट, क्योंकि जो मेरे देवर हैं ना वो जा रहे हैं माशाल्लाह 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 से उमरा के लिए जा रहे हैं। तो हम लोग सब उनको ना छोड़ने के लिए जा रहे हैं एयरपोर्ट। तो चलिए फटाफट से रेडी हो जाती हूँ और एयरपोर्ट छोड़ने के लिए चलते हैं हमारे देवर को। तो चलिए फिर फटाफट से तैयार हो जाती हूँ। तो माशाल्लाह से यहाँ पर मैं जाने के लिए तैयार हो चुकी हूँ माशाल्लाह माशाल्लाह से। और मैंने देखिए बच्चे लोग का बैग भी रेडी कर लिया है, ले लिया है, बच्चे लोग का बैग भी मेरे साथ ले लिया है, ठीक है। तो चलिए फिर फटाफट निकलते हैं, आज मेरे देवर जा रहे हैं उमरा के लिए माशाल्लाह से। आप लोग दुआ कीजिएगा उनके लिए और माशाल्लाह माशाल्लाह से दुआ है मेरी कि अल्लाह ताला उनका उमरा कबूल करे। और बहुत किस्मत वाले हैं जो अल्लाह के घर जा रहे हैं और अल्लाह पाक ने उन्हें बुलाए हैं माशाल्लाह से, बहुत 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 ज़्यादा किस्मत वाले हैं। और अल्लाह ताला हर मुसलमान को और हमें भी, हम सबको उमरा और हज दोनों नसीब फरमाए और अपने घर का दीदार नसीब अता फरमाए। चलिए फटाफट से निकलती हूँ। तो चलिए बाहर देखिए, अभी 7 भी नहीं बजा है माशाल्लाह से। और ये हमारी यहाँ बाहर का सुबह सुबह का मंजर है माशाल्लाह से, और चिड़िया एकदम चहचहा रही है माशाल्लाह माशाल्लाह से, बहुत अच्छा लग रहा है। सामने ना हल्का फॉग जैसा लग रहा है, बता दूँ आपको, ये देखें ये तो सामने है ना, ये मेन रोड है जहाँ से ना गाड़ियाँ वगैरह आती जाती ना, वहाँ पर ना एकदम फॉग जैसा लग रहा है माशाल्लाह से। सुबह सुबह का मंजर है, अभी 7 भी नहीं बजा है और बहुत अच्छा लग रहा है। उनको हम लोग सब छोड़ने के लिए जा रहे हैं एयरपोर्ट तक। तो चलिए अभी फटाफट निकलते हैं और सी ऑफ करके आते हैं उन्हें। गाड़ी बंद की बेटा, सब रख सब निकाल दिया उसने, एक एक पीस ले क्या, एक एक चीज लिया बता रहे मम्मी ने, ठीक जान दो वहाँ तो है एक, एक इसमें 6 अंदर 12 अली एक मिनट
ऐसा लो। माशाल्लाह से ना हम लोग है ना हमारे देवर को ना छोड़कर आ चुके हैं और बहुत 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 अच्छा लगा। और यहाँ पे मैं आपको टाइम बता दूँ, टाइम बज गया तकरीबन 8:10 हो गए हैं और वो उमरा के लिए निकल चुके हैं सऊदी अरबिया में। नमस्ते खान, माशाल्लाह से वो सऊदी निकल चुके हैं सऊदी अरबिया और शाम तक पहुँच जाएंगे इंशाल्लाह ताला। और वो उमरा के लिए गए हैं, बहुत 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 खुशी की बात है और बहुत खुशकिस्मती की बात है कि अल्लाह ताला ने उनको बुलाए हैं, अपने घर बुलाए हैं। तो आप सब दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला उनका उमरा जो है ना वो कबूल नसीब अता फरमाए, ठीक है। और अल्लाह ताला हर मुसलमान को हज मकबूल व मबरूर नसीब अता फरमाए और उमरा नसीब अता फरमाए और अपना दीदार अपना घर नसीब अता फरमाए। आमीन आमीन सुम्मा आमीन। तो चलिए फटाफट से चेंज कर लेते हैं और थोड़ा सा ना सो के उठते हैं बिकॉज है ना आँख में बहुत ज़्यादा नींद है। और एक्चुअल में ना बाहर बहुत 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 ज़्यादा गर्म है, इतना गर्म है ना कि आप सोच भी नहीं सकते। और रोज़ा रख कर बाहर जाना बोले तो मतलब बहुत टास्क वाला काम है। तो हम लोग गाड़ी से गए थे तो फिर हम लोग थक गए हैं, लेकिन बहुत खुशी की बात है कि वो उमरा के लिए निकल गए हैं। तो फिर फटाफट से सो जाते हैं क्योंकि ऑलरेडी ना बहुत ज़्यादा थक गए हैं।
आप हमारे ब्लॉग में बने। अस्सलाम वालेकुम, पे बज गए, मैं आपको टाइम बताती हूँ। यहाँ पे बज गए हैं तकरीबन 5:00, यहाँ पे 40 मिनट हो गए हैं और कुछ वक्त पहले ही हम लोग उठे हैं। ज्यादा टाइम नहीं हुआ है क्योंकि आज ना हम लोग गए थे, मेरे जो देवर है ना वो माशाल्लाह से उमरा के लिए गए हैं, तो हम लोग सभी ना उनको उमरा के लिए मतलब एयरपोर्ट छोड़ने के लिए गए थे। मॉर्निंग की फ्लाइट थी उनकी, तो हम लोग सब माशाल्लाह से उन्हें एयरपोर्ट छोड़ने के लिए गए थे और माशाल्लाह से सब अच्छा रहा और वो मतलब माशाल्लाह से वहाँ पर पहुँच चुके हैं। और अल्लाह ताला हर मुसलमान को उमरा और हज दोनों नसीब अता फरमाए, अपने घर का दीदार नसीब अता फरमाए। तो अभी मेरी अफ्तारी की क्या तैयारी हुई है वो मैं शेयर करती हूँ आपसे। आज मैंने अफ्तारी बिल्कुल भी नहीं बनाई है क्योंकि आज जो अफ्तारी है ना वो हम लोग जाने वाले हैं मेरे ससुराल में। आज अफ्तारी वहाँ पर जाके मतलब करनी है हम लोगों को, तो आज इसलिए मैंने अफ्तारी कुछ भी नहीं बनाई है क्योंकि जो मेरी सासू माँ है ना माशाल्लाह माशाल्लाह से उन्होंने आज अफ्तारी वहाँ पे बनाई है और कुछ बनाया है हमारी पसंद का। तो अभी फ़िलहाल के लिए ना मैं क्या कर रही हूँ ना अफ्तारी के लिए वो मैं आपको बताती हूँ। तो यहाँ पे मैं सिर्फ और सिर्फ जूस बना रही हूँ अफ्तारी के लिए। यहाँ पे मैंने पानी ले लिया है और मेरे घर में ना सब लोग है ना ये वाला जूस पीना पसंद करते हैं, ये जो रसना होता है ना ये वाला जूस पीना पसंद करते हैं ये वाला। तो फटाफट से मैं जूस बना देती हूँ। सो ये मक्कू खाला का खरगोश और इसका नाम है हनी और उसका नाम है बनी और वो चले गया किचन में। ये देखो ये दौड़ रहा है अभी इधर से उधर। हनी हनी, ये देखो ये बनी भी आ गया इधर। तो हे गाइस, यहाँ पे बज गए हैं तकरीबन 7:05 बाकी है, मतलब 2-3 मिनट में रोज़ा खुल जाएगा। तो फटाफट से मैंने छोटी मोटी क्या तैयारी की है ना रोज़े के लिए वो मैं आपको बता देती हूँ। ये मैंने छोटा थोड़ा सा कटिंगर काट लिया है और मैंने बनाया है ये जूस, ये लेमन का जूस है। तो मेरे घर में सब लेमन का जूस पीना पसंद करते हैं और ये है आज मेरी अफ्तार की थाली। वहाँ पे ना रोज़ा खुलाई है, मतलब वहाँ पे ना हम लोगों को दावत मिली है, तो हम लोग जा रहे हैं रोज़ा खोलने के लिए। लेकिन जो मेरे हस्बैंड है ना उनका ऐसा है कि पहले वो रोज़ा खोलते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, उसके बाद ही कुछ खाने के लिए बैठते हैं। ये वैसा ये उनका मतलब ऐसा है कि खाते खाते ना नमाज के लिए लेट नहीं होना चाहिए, तो इसलिए वो पहले क्या करते हैं रोज़ा खोल लेते हैं, पानी वगैरह पी लेते हैं, थोड़ा बहुत फ्रूट्स खा लेते हैं, उसके बाद वो नमाज़ पढ़ते हैं, उसके बाद वो आराम से बैठकर खाते हैं क्योंकि फिर तरावी तक का टाइम होता है ना, तो इसलिए वो ये वैसा करते हैं। तो इसलिए उन्होंने बोला है कि जिन्हत आप एक काम करें थोड़ा सा फ्रूट काट लीजिए और फिर मैंने जूस बना लिया था, तो हम लोग यहाँ पर रोज़ा खोल लेंगे, नमाज़ पढ़ लेंगे, फिर आराम से खाएंगे। और माशाल्लाह से जो मेरा ससुराल है ना वो बाजू में ही है, बहुत ज़्यादा दूर भी नहीं है, तो इसके लिए ना हम लोग यहाँ से पहले रोज़ा खोल लेंगे, फिर उसके बाद हम लोग जाएंगे वहाँ पर, क्योंकि वहाँ पर है ना माशाल्लाह से मम्मी के हाथ का बहुत 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 लजीज और बहुत ही कुछ स्पेशल बनाया है, कुछ साउथ इंडियन टाइप का ऐसा वो बोल रहे हैं। और साउथ इंडियन टाइप में तो पहले दिमाग में तो इडली डोसा ही आता है, लेकिन फिर मैंने सोचा तो बहुत सी चीज़ें होती साउथ इंडियन टाइप में, पर देखते हैं कि मम्मी ने क्या बनाया है। तो चलिए फिर फटाफट से रोज़े का टाइम होता है, रोज़ा खोल लेते हैं। चलो चलो हम लोग जा रहे हैं। तो माशाल्लाह से ना अभी हम लोग जा रहे हैं अफ्तारी करने के लिए, रोज़ा खोल चुके हम पहले से, नमाज़ हो गई है हमारी, अभी हम लोग जा रहे हैं अफ्तारी करने के लिए। और बाहर देखिए कितना अंधेरा है, अंधेरा मतलब बहुत प्यारा लग रहा है। और यहाँ पर आ गया है पानी, बहुत सारे लोग जमा हैं, पता नहीं क्या कर रहे हैं। यहाँ पर आ गया है पानी, पानी का यहाँ पर बहुत ज़्यादा मसला है। और ये हमारे सामने की मेन रोड ऐसा, और आसमान कितना नीला नीला दिख रहा है माशाल्लाह माशाल्लाह से, बहुत खूबसूरत दिख रहा है दिखने में। और अफ्तारी करने के लिए बड़े वाले घर पे, तो चलिए देखते हैं मम्मा ने क्या बनाया। वाह माशाल्लाह, मम्मी लगा पहला रमजान ना दोनों का पहला रमजान। तो माशाल्लाह से हम लोग अफ्तारी करके आ चुके हैं। तो अफ्तारी में हम लोग ने खाया है साउथ इंडियन था, आज की जो अफ्तारी थी वो साउथ इंडियन स्पेशल था, और तो बहुत ज़्यादा मज़ा आया और बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया हम लोगों ने। तब मैं जा रही हूँ घर पे, तो चलिए फटाफट चलते। सॉरी भाई, तो यहाँ पे हम लोग पहुँच गए हैं घर पे। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
तो माशाल्लाह से यहाँ पे हम लोग घर पे पहुंच गए हैं। और आज की अफतारी बेस्ट बेस्ट थी, बहुत मजा आया अफतारी करके, क्योंकि आज की जो अफतारी थी ना वो साउथ इंडियन स्पेशल थी और मम्मी ने बनाए थे, मतलब सोने पे सुहागा। बहुत अच्छा लगा, बहुत मजा आया और बहुत ज्यादा एंजॉय किया हम लोगों ने। हाँ तो गाइज, मैं आपको ये बोल रही थी ना कि ये गए थे कल, इनसे मिलिए, ये है महक, ठीक है। ये ना कल गए थे, कहाँ गए थे तुम? ये ना माशाल्लाह से CST मोहम्मद अली रोड गए थे और उन्हें बहुत अच्छा, सेकंड टाइम गए थे और माशाल्लाह से इन्होंने बहुत अच्छा मौका मिस कर दिया है। क्योंकि क्या किया तुम बताओ, तुमने क्या किया? मेरा फोन खराब हो गया था तो मैंने वीडियो नहीं बनाई, तो मेरा मूड थोड़ा ऑफ था उसकी वजह से, यही मैंने मिस कर दी। क्योंकि अच्छी अच्छी व्लॉग बन सकती थी, वीडियोस बन सकती थी, जो मेरे से मिस हो गई है। और वहाँ पे कपड़े कैसे कलेक्शन थे? कपड़े के कलेक्शन वहाँ पे कुछ न्यू पैटर्न तो नहीं है, बट पाकिस्तानी में जो है काफ़ी ज़्यादा अच्छे पैटर्न आए हैं और 1000 रुपीज़ की जो है रेंज में है, अफोर्डेबल है एकदम। और बाकी फिटिंग वगैरह तो आप लोग अपने हिसाब से कर सकते हैं, बट 1000 रुपीज़ मुझे सही लगा एकदम। 1000 रुपीज़ सही लगा। और ऐसा नहीं कि उसमें दुपट्टा नहीं, आप लोग को दुपट्टे भी अच्छे अच्छे मिलेंगे, नेट का, कॉटन का, सब तरीके के दुपट्टे मिलेंगे, डिपेंड आप लोग कैसे चॉइस करते हो, बट मेरा अल्लाह ताला को मैं ले लूँ जल्दी से इंशाल्लाह। और भाभी आप कुल्ला से भी ले सकते हो, क्योंकि मैंने कुल्ला से मेरी मम्मा ने लिया है और बहुत भरा हुआ और वो भी 1500 में आपको पूरा आ जाएगा और बहुत मस्त है। और उसके साथ आपको जो पर्स है ना वो फ्री में देंगे। हाँ, पर्स फ्री में देंगे। देखना मुझे मिला तो मैं भी ले लूंगी पर्स फ्री में। मैं जरा बड़े घर पे जाके आती हूँ, देखते बोलिए भाभी जी, तुझका कोई भी टीचर कहीं से भी अगर आ जाए और आपको पढ़ने की कोशिश करे तो ना काम हो जाएगा भाभी जी। कुछ नहीं भाभी जी, तेरा बॉन्ड बॉर्ड। अरे तो मैंने अप्लाई करके गुनाह कर दिया क्या? मैं भी एक काबिल। सर ये वो दौलतपुर के ही क्या? हाँ भैया, वो दौलतपुर के ही है, लेकिन हमको इससे क्या, हमको तो ग्रांट से मतलब है। अरे मास्टर जी आप नहीं चला पाएंगे, आप नहीं चला पाएंगे। अरे सच ये है मास्टर जी, आपको सच बता दूँ, कोई देखने नहीं आ रहा है कि क्या चल रहा है। सबसे इसी चक्कर में है कि 50 लाख की ग्रांट मिल जाए, यही सच है। तुम्हारे अंदर संस्कार छोटे जीजा के भाई की शादी में मुर्गा डाल।